दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निक फीवर को और दबाएं बेल के आइकन को टेक्नोलॉजी वीडियो हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निक फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में आधार अपडेट सर्च करना होगा और ऊपर में जो दो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे उनमें से ऑफिशियल वेबसाइट आपको खोलनी होगी। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप बोर्ड यूज़ करना होगा, लेकिन वहाँ पे आपको तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके उसको यहाँ पर खोल लेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा होम अबाउट UIDAI दिखेगा। तो आपको यहाँ पे इनरोल एंड अपडेट पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका नया विंडो खुल के आएगा, उसमें आपको आधार इनरोलमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप राइट हैंड साइड में देखिए इनरोल एंड अपडेट का ऑप्शन वहाँ पे आपको दिख रहा है। वहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा आधार डेटा अपडेट। तो आपको पूरा पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर नहीं करना चाहते तो आप सीधा आधार डेटा अपडेट पे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने खुल के आएगा एक ऐड आएगा, ऐड को आप हटा देंगे और सबसे नीचे चले जाएंगे। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो सबसे नीचे चले जाए टू सबमिट योर अपडेट करेक्शन रिक्वेस्ट प्लीज़ क्लिक हियर। तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको वहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड है, नीचे दिया गया कोड आपको लिखना है वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद में आपको सेंड OTP कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP रिसीव होगा 6 डिजिट का, आपको वो OTP यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। तो आप जब लॉगिन कर लेंगे उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ दिखाने को मिलेगी आप क्या चीज़ अपडेट करना चाह रहे हैं, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पर आप मार्क करेंगे टिक, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो आप जब टिक करके सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पर अपना नया मोबाइल नंबर जो आप चेंज करना चाह रहे हैं वो डालना होगा। जो नंबर आप चाहते हैं अपडेट करना उसको डाल दें वहाँ पे, जो नया आपका मोबाइल नंबर है वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और डालने के बाद में आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, और उसके बाद अगर आपका नंबर सही है जो आपने डाला है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, अगर गलत डल गया है तो आप वहाँ मॉडिफाई करके उसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको अपडेट करने के लिए आपका पुराना मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए। अगर वो खो गया है तो आपको आधार केंद्र में जाके ही मॉडिफाई करा सकते हैं, लेकिन आपके पास नंबर नहीं होगा तब तक आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। आपके पास दोनों नंबर होने चाहिए, जो पुराना आपने दिया हुआ है और नया आप जो अपडेट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है। आपको यहाँ पर URL नंबर मिल जाएगा जिससे आप भविष्य में ट्रैक कर पाएंगे कि आपका जो है रिक्वेस्ट है वो कितनी फॉरवर्ड हुई है, कितना कहाँ पहुँची है, कितने दिन में सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। आप अगर ट्रैक करना चाहें तो आधार नंबर डालना होगा और जो रिक्वेस्ट कोड आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा SMS के थ्रू, आप वो रिक्वेस्ट कोड यहाँ पर डाल के चेक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस में कुछ दिन बाद चेक करें, और कुछ दिन बाद आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।